गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू दिस अनदर वेरी वेरी पावरफुल सेशन ऑफ रीड बुक्स विद मी। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि हम लोग बहुत ही पॉपुलर एंड पावरफुल बुक पढ़ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बाय डॉक्टर जोसेफ मर्फी। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर को शुरू करने जा रहे हैं। हाउ मेनी ऑफ यू वुड लाइक टू बिकम रिच? कितने लोग रिच बनना चाहते हैं? आज का टॉपिक ये है, योर राइट टू बी रिच, चैप्टर नंबर 10। अभी तक हम लोग 35 डेज कवर कर चुके हैं। सारी रिकॉर्डिंग्स आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी और मैं सजेस्ट करता हूँ कि इन रिकॉर्डिंग्स को बार 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 देखें, बिकॉज एक बार देखने में ना क्लैरिटी नहीं आती है जो मैसेज ऑथर देना चाह रहे हैं अपने एक्सपीरियंस के बाद उन्होंने किताब लिखी है। तो आज का हम चैप्टर शुरू करते हैं, डे 36, योर राइट टू बी रिच, चैप्टर नंबर 10, पेजेस 93 ऑफ माई बुक। इट इज योर राइट टू बी रिच। स्टार्टिंग में बोल रहे हैं, यू आर हेयर, हेयर का मतलब इस धरती पे आप किस लिए हैं? टू लीड द अबंडेंट लाइफ एंड बी हैप्पी, रेडियंट एंड फ्री। यू शुड देयर फोर, देखिए, यू शुड देयर फोर हैव ऑल द मनी यू नीड टू लीड अ फुल हैप्पी एंड प्रॉस्परस लाइफ। होनी चाहिए आपके पास, अगर नहीं है तो वो मतलब अनकॉमन है, वो रियलिस्टिक नहीं है। होना ही चाहिए आपके पास जितना पैसा आपको चाहिए एक हेल्दी अच्छी फ्रीडम वाली लाइफ जीने के लिए। यू आर हेयर, किस लिए आए हो आप यहाँ पे? टू ग्रो, एक्सपैंड एंड अनफोल्ड स्पिरिचुअली, मेंटली एंड मटीरियली ऑल्सो। यू हैव द इनएलिनेबल राइट टू फुल्ली डेवलप एंड एक्सप्रेस योर सेल्फ अलॉन्ग ऑल लाइन्स। अब इनएलिनेबल का डिक्शनरी मीनिंग में देखा, दैट कैन नॉट बी टेकन अवे फ्रॉम यू। यू हैव अ राइट दैट कैन नॉट बी टेकन अवे फ्रॉम यू। ऐसा राइट भगवान ने आपको दिया है टू फुल्ली डेवलप एंड एक्सप्रेस योर सेल्फ, जो चाहिए जिंदगी में अलॉन्ग ऑल द लाइन्स। यू शुड सराउंड योर सेल्फ विद ब्यूटी एंड लग्जरी। कितने अच्छे अच्छे शब्द हैं ना, लग्जूरियस लाइफ जिसको बोलते हैं, वो आप जीने के लिए पैदा हुए हैं। ये थॉट अपने माइंड में किसी तरीके से घुसा दो, बस विश्वास करो कि आप इस धरती पे एक लग्जूरियस लाइफ जीने के लिए ही आए हैं। वाई बी सेटिस्फाइड विद जस्ट एनफ टू गो अराउंड वेन यू कैन एंजॉय द रिचेज ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड? क्यों हैंड टू माउथ वाली जिंदगी जीते हो, कॉम्प्रोमाइज वाली लाइफ जीते हो, जब आप अपनी सबकॉन्शियस माइंड के अंदर इतनी रिचेज आपके पास हैं, क्यों नहीं यूज करते उसको? इन दिस चैप्टर यू कैन लर्न टू मेक फ्रेंड्स विद मनी, दोस्ती कर लो पैसे के साथ, एंड यू शुड ऑलवेज हैव अ सरप्लस। बड़ा होना चाहिए यार, कितनी अच्छी फील आते, कोई मुझे कहता जी अच्छा मैं ना आपको पे कर दूंगा कैश में, कहा और क्या, बोरी मार डालो जितने कैश आए निकाल के पकड़ा हो यार, कितनी अच्छी लाइफ होती है ना। मैं स्टिल रिमेम्बर ही बीच में किसी के साथ मैं एक 5-स्टार होटल में हम डिनर पे गए थे, तो वहां पे मैंने एक रिचनेस की फील देखी। जिनके साथ में गया था तो वेटर आया तो वो कहते हम लोग ऑफन आते रहते हैं यहाँ पे, मेरे सामने उनकी वाइफ ने पर्स में हाथ डाला और जितने नोट आए टिप पकड़ा दिए उसको, गिने ही नहीं कितने नोट आए आपके अंदर। तो वो लाइफ होनी चाहिए कि काउंट ही ना करें, रेस्टोरेंट में जाएं तो राइट साइड देखिए ना, लेफ्ट साइड देखिए क्या खाना है यार, जितने का भी है क्या फर्क पड़ता है? कहते ना पंजाबी की फर्क पैंदा है, पैसा बहुत है। अभी किसी बात चलती है कहता है पैसा तो बहुत है सुखी जी, नोट नहीं है नोट। अरे यार बात तो सही है, आप डायलॉग चेंज करो, नोट बहुत है नोट, है ना। वो पहले पैसे वाले जमाने गए, अब तो नोट चाहिए भाई। तो आपके पास इनएलिनेबल राइट है, देखिए, जो राइट आपसे कोई नहीं छीन सकता। क्यों सेटिस्फाइड रहते हो ना गरीबी में या हैंड टू माउथ में? इन दिस चैप्टर यू कैन लर्न टू मेक फ्रेंड्स विद मनी। योर डिजायर टू बी रिच इज अ डिजायर फॉर अ फुलर, हैप्पियर, मोर वंडरफुल लाइफ। इट इज अ कॉस्मिक अर्ज, अर्ज है, कॉस्मिक अर्ज है कि आप सक्सेसफुल हो, आप अमीर बने। इट इज नॉट ओनली गुड बट ऑल्सो वेरी गुड, है ना। रिच होना बहुत अच्छा है, खाली अच्छा नहीं है। मनी इज अ सिंबल, मनी इज अ सिंबल ऑफ एक्सचेंज। इट मीन्स यू नॉट ओनली, इट मीन्स टू यू नॉट ओनली फ्रीडम फ्रॉम वॉन्ट बट
ब्यूटी, लग्जरी, अबंडेंस एंड रिफाइनमेंट। इट इज मेयरली अ सिंबल ऑफ द इकोनॉमिक हेल्थ ऑफ द नेशन। व्हेन योर ब्लड इज सर्कुलेटिंग फ्रीली इन योर बॉडी, यू आर हेल्दी। सीधी सी बात है, खून घूम रहा है तो हम हेल्दी हैं। व्हेन मनी इज सर्कुलेटिंग फ्रीली इन योर लाइफ, यू आर इकोनॉमिकली हेल्दी। व्हेन पीपल बिगिन टू होल्ड मनी, इकट्ठा कर लेते हैं ट्रंकों के अंदर, बोरियों के अंदर, टू पुट इट अवे इन टिन बॉक्सेस। देखिए ये भी कह रहे, टिन बॉक्सेस, एंड बिकम चार्ज विद फियर, देर इज इकोनॉमिक इलनेस। आप बीमार हो रहे हैं इकोनॉमिकली, खून रुक गया ना, आपने रोक दिया खून। मनी हैज टेकन मेनी फॉर्म्स एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज डाउन थ्रू द सेंचुरी, सच एज सॉल्ट, बीड्स एंड ट्रिंकेट्स ऑफ वेरियस काइंड्स। ट्रिंकेट्स का मतलब मैंने देखा सजावट की छोटी मोटी चीजें। तो पहले बार्टर सिस्टम होते थे, आदान प्रदान होता था, उससे पैसे ने बड़े सारे रूप ले लिए। इन अर्ली टाइम्स अ मेंस वेल्थ वाज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ शीप एंड ऑक्सन ही हैड, कितने बैल बकरियां, कहते हैं ना, इससे पता लगता था कितना अमीर आदमी। नाउ वी यूज करेंसी एंड अदर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एज इट इज मच मोर कन्वीनियंट टू राइट अ चेक देन कैरी सब शीप अराउंड विद यू टू पे बिल्स। अब बिजली का बिल आया गया, ले तो भेड़ ले जाए, वो पॉसिबल नहीं है, चेक काटना सारा आज की डेट में। तो टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है, बट पैसा, इन्होंने स्टार्टिंग में क्या बोला इस पैराग्राफ में, मनी इज अ सिंबल, राइट? हाउ टू वॉक द रॉयल रोड टू रिचेस, कैसे पहुंचे उस सड़क पे जो रिचेस की तरफ लेके जाती है, कैसे चले। नॉलेज ऑफ पावर्स ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड इज द मीन्स टू द रॉयल रोड टू रिचेस ऑफ ऑल काइंड। जब तक आपके सबकॉन्शियस माइंड की पावर नहीं बढ़ेगी, आप उस रास्ते पे चल ही नहीं पाएंगे आगे। रिचेस ऑफ ऑल काइंड, स्पिरिचुअल, मेंटल और फाइनेंशियल। द स्टूडेंट ऑफ द लॉज ऑफ माइंड बिलीव्स एंड नोज। देखिए जो स्टूडेंट है, जो लॉ ऑफ माइंड को समझता है, पढ़ता है उसके बारे में, वो बिलीव भी करता है और जानता है दिल से, डेफिनेटली द रिगार्डलेस ऑफ इकोनॉमिक सिचुएशन, स्टॉक मार्केट फ्लक्चुएशन, डिप्रेशन, स्ट्राइक्स, वॉर, अदर कंडीशंस और सर्कमस्टांसेस, क्या बिलीव करता है और क्या जानता है वो दिल से, ही विल ऑलवेज बी एम्पली सप्लाइड रिगार्डलेस ऑफ वट फॉर्म मनी टेक्स। जो मर्जी शेप ले ले, उसके पास हमेशा एम्पल सप्लाई रहेगी। पैसा बहुत है, पैसा नोट बहुत है, हमेशा रहते हैं हमारे पास। आई एम ऑलवेज हैविंग अबंडेंस ऑफ मनी। द रीजन फॉर दिस इज दैट ही हैज कन्वेड द आइडिया ऑफ वेल्थ टू हिज सबकॉन्शियस माइंड। उसने कन्वे कर दिया सबकॉन्शियस माइंड को, और हम शुरू से पिछले 35 चैप्टर यही पढ़ते आ रहे हैं कि जो आइडिया आपके सबकॉन्शियस माइंड में रजिस्टर हो गया, उसने उसको मैनिफेस्ट करना ही करना है। सो एंड इट कीप्स हिम सप्लाइड वेयर एवर ही मे बी, कहीं भी हो, उसको पैसा तो आएगा ही आएगा। ही हैज कन्विंस्ड हिमसेल्फ इन हिज माइंड। देखिए वर्ड्स पे फोकस करिए, अपने आप को कन्विंस कर ले अपने माइंड में, क्या, दैट मनी इज फॉर एवर फ्लोइंग फ्रीली इन हिज लाइफ एंड दैट देयर इज ऑलवेज अ वंडरफुल सरप्लस। हमेशा पैसा आ रहा है और हमेशा सरप्लस में, बार बार इस फील के साथ जिए आप, देखिए कैसा इनफ्लो रहेगा आपके पास। शुड देयर बी अ फाइनेंशियल कोलैप्स ऑफ गवर्नमेंट टुमारो एंड ऑल द मेंस प्रेजेंट होल्डिंग्स बिकम वैल्यूलेस एज द जर्मन मार्क्स डिड आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ही वुड स्टिल अट्रैक्ट वेल्थ एंड बी केयर्ड फॉर रिगार्डलेस ऑफ द फॉर्म द न्यू करेंसी टुक। चाहे इकोनॉमिक रिसेशन आ जाए, गवर्नमेंट्स फेल हो जाए, बैंक फेल हो जाए, कुछ भी हो, आपके पास पैसा, नोट, जो भी करेंसी है वो आता ही रहेगा, वो विश्वास है रखना आपको। नेक्स्ट पैराग्राफ में कह रहे हैं व्हाई यू डू नॉट हैव मोर मनी, बताओ क्यों नहीं है आपके पास ज्यादा पैसा। एज यू रीड दिस चैप्टर यू आर प्रॉबली सेइंग आई एम वर्दी ऑफ अ हायर सैलरी देन आई एम रिसीविंग, आप लगता बोल रहे हो। आई बिलीव मोस्ट पीपल आर इनएडिक्वेटली कंपनसेटेड, आपके मन में है कि हमारा प्रॉपर कंपनसेशन नहीं मिल रहा मुझे, मैं डिजर्व ज्यादा करता हूँ लेकिन इतना तो नहीं कमा रहा। वन ऑफ द कॉजेज, ध्यान से सुनिएगा, मैनी पीपल डज नॉट हैव मोर मनी, मैनी, बहुत सारे लोग नहीं कमा पा रहे हैं पैसा, क्यों, इज दैट दे आर साइलेंटली और ओपनली कंडेमिंग इट। या तो मन मन में या मुंह से बोल बोल के पैसे को कंडेम करते हैं, उसका
तिरस्कार करते हैं, उसकी बुराई करते हैं। दे रेफर टू मनी एज फिल्थी ल्यूकर। अब ल्यूकर बड़ा नया वर्ड था मेरे डिक्शनरी, बड़ी मेहनत करता हूँ आपके लिए चैप्टर पढ़ने से पहले ही, क्योंकि मेरी खुद की इंग्लिश बहुत अच्छी है, यू नो जब तक हम इंग्लिश बोल ही नहीं पाते थे, तो मेरी भी इंग्लिश इंप्रूव हो रही है इसको पढ़ते पढ़ते, तो प्रोनाउंसिएशन समझनी पड़ती है। मैं इसको लसर बोलूं क्या बोलूं, तो देखा ल्यूकर है जिसका मतलब LUCRE, गलत तरीके से कमाया धन। तो ओपनली या तो वो कंडेम करते हैं, दे रेफर टू मनी एज फिल्थी ल्यूकर, गलत तरीके से कमाया हुआ धन, और लव ऑफ मनी इज द रूट ऑफ ऑल एविल। मतलब कई बार लोग कहते हैं ना पैसा ही सारी बीमारियों की जड़ है ना, सारे क्लेश का जड़ ही पैसा है। तो वो जो जो बंदा ये बोल रहा है ना, उसका पैसा नहीं आएगा। जो बार बार कहता है पैसे सब कुछ नहीं होता भाई, इज्जत भी होनी चाहिए, सुकून भी होना चाहिए, वो कहेगा ले बेटे इज्जत तो सुकून ही मिलेगा, नोट नहीं आने वाले फिर तेरे पास। तो क्या आप उसको उसको वैल्यू नहीं दे रहे ना? मतलब एग्जाम्पल हम देते हैं, आप अगर कपल हैं और आप अपनी वाइफ को बोलो भी ठीक है तू हो तो भी टिकेगा, ना हो तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता, तो क्या वाइफ टिकेगी आपके घर में? या वाइफ से वर्षा अपने हस्बैंड को बोलो कि ठीक है आ जाओ घर तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, आप ही सब कुछ थोड़ी जिंदगी के अंदर, और भी बहुत सारी चीजें हैं, रिश्ते हैं, ऐसा नहीं है। जितना आप प्यार देंगे पैसे को, और मैंने बहुत अच्छी लाइन अपने कोर्स से सीखी, पैसा कमाने से ज्यादा पवित्र काम दुनिया में कोई है ही नहीं, क्योंकि पैसा कमाने के लिए आपको लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करनी पड़ती है। और जब तक हमारा गोल 10 टाइम्स वैल्यू ऐड करने का नहीं है, उस पैसे का हमें मजा ही नहीं आएगा। तो जितना हम वैल्यू ऐड करेंगे पैसा अपने आप आएगा। हम DSP में एक सेशन करते हैं मनी के ऊपर, तो अगर आप रेगुलर स्टूडेंट हैं हमारे तो यू विल गेट अ चांस टू अटेंड दैट सेशन विद अस लाइव। अनदर रीजन दे डू नॉट प्रॉस्पर इज दैट दे हैव अ स्नीकी सबकॉन्शियस फीलिंग। स्नीकी ना डर वाली अंदर सबकॉन्शियस फीलिंग क्या है, देर इज सम वर्च्यू इन पॉवर्टी। वर्च्यू का मतलब है मॉरली गुड, उनको लगता है गरीब होना बहुत अच्छा है यार, वो अंदर ही अंदर अपने आप को बस वो उस चीज को बड़ा प्राउड फील करता है कि हम अमीर नहीं है। तो भैया फिर ठीक है तथास्तु, वही रहो। द सबकॉन्शियस पैटर्न में भी ड्यू टू अर्ली चाइल्डहुड ट्रेनिंग, कई बार बचपन से ही हम लोग वो सीख रहे होते हैं ना, तो वो हमारी ट्रेनिंग बन जाती है। सुपरस्टिशन, धर्म गुरु कई बार ऐसे मिसगाइड कर देते हैं लोगों को कि पैसे की तरफ मत भागो, मनी माया का लोभ सबसे खतरनाक है, वो पापों का रास्ता है, ब्ला 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 सोच सोच के ब्रेन वॉश कर देते हैं हमारा, वो तो खूब नोट कमा रहे होते हैं अंदर से, है ना? सुपरस्टिशियस नहीं, हम पैदा हुए हैं रिच बनने के लिए, अबंडेंस की लाइफ जीने के लिए, हक है हमारा जन्म से अधिकार है। और इट कुड बी बेस्ड ऑन अ फॉल्स इंटरप्रिटेशन ऑफ स्क्रिप्चर्स। स्क्रिप्चर्स में क्या लिखा, इंटरप्रेट कैसे कर दिया आपने उसको, बस वहीं से दिमाग में थॉट चली गई, वो जैसी थॉट सबकॉन्शियस में गई उसके बेस पे हमारा एक्शन और उसी तरीके का रिजल्ट। मनी एंड अ बैलेंस्ड लाइफ, देखिए आप बैलेंस लाइफ जीना और पैसे का क्या मतलब है। वन टाइम अ मैन सेड टू मी आई एम ब्रोक आई डू नॉट लाइक मनी। वर्ड देखिए इट इज द रूट ऑफ ऑल एविल, बोल रहा है वो खुद बोल रहा है कि मैं ब्रोक हूं, पैसे नहीं है, क्योंकि पैसा ही सब पे हमारे प्रॉब्लम की जड़ है। दिस स्टेटमेंट रिप्रेजेंट अ कंफ्यूज न्यूरोटिक माइंड, कंफ्यूज है वो, लव ऑफ मनी टू द एक्सक्लूजन ऑफ एवरीथिंग एल्स विल कॉज यू टू बिकम लॉप साइडेड एंड अनबैलेंस्ड। वो भी गलत है कि सिर्फ पैसा 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 अगर आप कर रहे हैं तो वो आप लॉप साइडेड का मतलब होता है एक एक तरफ झुक जाना, है ना, एक ही तरफ झुक गए आप, और अनबैलेंस लाइफ जियोगे अगर आप सिर्फ पैसे को ही सब कुछ मानने लग जाओगे तो। यू आर हेयर टू यूज योर पावर और अथॉरिटी वाइसली। सम मैन क्रेव पावर, अदर्स क्रेव मनी। तो कईयों को पावर चाहिए, कईयों को पैसा चाहिए, एक बैलेंस लाइफ चाहिए। इफ यू सेट योर हार्ट ऑन मनी एक्सक्लूसिवली एंड से मनी इज ऑल आई वॉन्ट, आई एम गोइंग टू गिव ऑल माई अटेंशन टू अमासिंग मनी, नथिंग एल्स मैटर्स। बार बार पैसे सब कुछ है, सिर्फ पैसे कमाना है मेरा एम है, 100 करोड़ के सामने बनना, 500 करोड़ के सामने बनना, तो सिर्फ आप पैसा पैसा कर रहे हैं, वो भी अनबैलेंस लाइफ है। यू कैन गेट मनी एंड अटेन अ फॉर्च्यून बट यू आर फॉरगॉटन दैट यू आर हेयर टू लीड अ बैलेंस लाइफ। हम लोग क्या कहते हैं एडवांस लॉज ऑफ यूनिवर्स में, चार एरियाज में बैलेंस होना जरूरी है, हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर एंड मनी। चारों में अगर बैलेंस ग्रोथ नहीं है तो आप लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाओ। तो
बैलेंस लाइफ जीनी है, पैसा भी चाहिए, हेल्थ भी चाहिए, रिलेशनशिप भी चाहिए। हेल्थ के लिए हमारे पास FLDRP प्रोग्राम हम लोग रन करते हैं कि अगर आपको कोई भी हेल्थ चैलेंज हो, आप अपनी बॉडी के सिस्टम को एक्टिवेट करके 100% डिजीज फ्री हो सकते हो, मेडिसिन फ्री लाइफ जी सकते हो, किसी भी तरह का हेल्थ चैलेंज हो। रिलेशनशिप मास्टरी का प्रोग्राम ऑलरेडी हमारा बहुत सक्सेसफुली चल रहा है। किसी भी तरह के रिलेशनशिप को आप खुद कैसे मैनेज करना है और आप कैसे रिलेशनशिप मास्टर बन सकते हो, वो उसके अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं। करियर और मनी के लिए एडवांस लॉज ऑफ यूनिवर्स हमारा पावरफुल चल रहा है, एंड मे बी इफ टाइम अलाउज ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हम एक वेल्थ मास्टरी के ऊपर भी कोर्स करेंगे एक्सक्लूसिवली कि वेल्थ को कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड को यूज करके। आगे चलते हैं। यू मस्ट ऑल्सो सेटिस्फाई द हंगर फॉर पीस ऑफ माइंड, हारमनी, लव, जॉय एंड परफेक्ट हेल्थ। बैलेंस होना जरूरी है। बाय मेकिंग मनी योर सोल एम, बाय मेकिंग मनी योर सोल एम, अकेला अगर एम बना लिया पैसा कमाने का, यू सिंपली मेड अ रॉन्ग चॉइस। यू थॉट दैट वॉज ऑल यू वॉन्टेड, बट यू फाउंड आफ्टर ऑल योर एफर्ट्स दैट इट वॉज नॉट ओनली द मनी यू नीडेड। आप पैसा कमाने के बाद रियलाइज करोगे सिर्फ पैसा है सब कुछ नहीं है यार। यू ऑल्सो डिजायर्ड ट्रू एक्सप्रेशन ऑफ योर हिडन टैलेंट्स, ट्रू प्लेस इन लाइफ, ब्यूटी एंड द जॉय ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द वेलफेयर एंड सक्सेस ऑफ अदर्स। इस सारी नीड्स हम 7 नीड्स डिस्कस करते हैं एडवांस लॉज ऑफ यूनिवर्स में, सारी नीड्स आपको पूरी करनी है, सिर्फ पैसा ही नहीं है, लव, कॉन्ट्रीब्यूशन, ग्रोथ, सब चीजें एक साथ चलानी है आप। बाय लर्निंग द लॉज ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड यू कुड हैव अ मिलियन डॉलर्स और मेनी मिलियंस इफ यू वॉन्टेड दैम, एंड स्टिल हैव पीस ऑफ माइंड, हारमनी, परफेक्ट बैलेंस एंड परफेक्ट एक्सप्रेशन। देखिए ध्यान से सुनिए इस लाइन को। ऐसे नहीं कि बैलेंस लाइफ में आप सिर्फ कुछ हजार या कुछ लाख कमाएंगे, ना ना ना, आप बैलेंस लाइफ को गिरते हुए भी आप करोड़ों रुपया कमा सकते हो महीने का। यस, कमा रहे हैं लोग। हाँ, बट उसके लिए आपको अपने पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड को कैसे इफेक्टिवली यूज करना है, कैसे ट्रेन करना है, वो एक आपको प्रैक्टिस करनी है, जिसके लिए भी रन आवर प्रोग्राम DSP, डेली सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग। सो इफ यू आर नॉट पार्ट ऑफ आवर DSP, यू कैन ज्वाइन आवर प्रोग्राम फॉर फ्यू कपल ऑफ डेज एज अ गेस्ट, एंड इफ यू लव इट यू कैन ज्वाइन इट अ वेरी मीगर कॉस्ट इन्वेस्टमेंट, एनर्जी एक्सचेंज जिसको हम बोलते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड होंगे हम उसके बारे में बाद में बात करेंगे। सो विद दिस वी कंप्लीट टुडे स्पेशल सेशन ऑफ रीड बुक्स विद मी। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। नेक्स्ट सेशन में हम मिलेंगे विद कंटिन्यूशन ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू एवरीवन।